तो आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव, शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। आइए तो आज का अध्याय हम शुरू करते हैं। पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास वार तीर्थ व नक्षत्रों के योग्य में पूजा का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन करेंगे हम आज की वीडियो में। बोलो हर हर महादेव। ऋषियों ने कहा, साधु श्री मणियों में अब आप प्रतिमा पूजन का विधान बताइए, जिससे समस्त अभिष्ट वस्तुओं की पूर्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ, तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभीष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखर अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका शोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीने एकदम महीन पीसे और साने। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर श्रृंगार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हो तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र से संपन्न बनाई गई हो। पदंतर उसे स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा, शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का दुजनों को सदा पूजन करना चाहिए। फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अग्नि ही के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए पूजन के लिए एक शेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। ऐसा जानना चाहिए, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए शंभु लिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने पर पुण्य फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजन करने से सत्य लोक को प्राप्त कर लेता है मनुष्य। 12 उंगली चौड़ा, इससे दुना और 1 उंगली अधिक अर्थात 25 उंगल लंबा तथा 15 उंगल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है, उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो 4 कुड़वे के बराबर माना गया है। मनुष्यों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और शंभु शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवताओं का अभिषेक करने से आत्मा शुद्ध होती है, गंध से पुष्प की प्राप्ति होती है,
नवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप यह दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे सदा पहले मन से पूजा करें, फिर उन उपचारों से करें। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवंतर लोकों में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन कर रहा हूं, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भोले कर्म उत्तम अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रवण में और भद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को और पौष मास में सतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक श्री गणेश का पूजन करना चाहिए। 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवताओं और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किए जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तुएं प्रदान कराता है। वह समस्त पापों का समन तथा विभिन्न विभिन्न दुष्कर्मों का निवास करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मा शुद्धि प्रदान कराने वाला समझना चाहिए। वार या दिन तीर्थ नक्षत्र और योग का आधार है, समस्त कामनाओं को देने वाला है। उससे वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उस पूर्व ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्य उदय काल से लेकर सूर्य काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। विविध तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्य को पुण्य भोग प्रदान कराने वाली होती है। तो आप सभी शिव पुराण को ऐसे ही सुनते रहें, और यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 8510040044 पे व्हाट्सएप करें। आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी छोटे से शुल्क के साथ। आप सभी को कोटि कोटि वंदन। हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, हमारा भी उत्साह बढ़ाएं और आप अपना भी बढ़ाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।